टू ऑल द यूट्यूब पीपल हु आर वॉचिंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का जो ये रोज सेशन देखते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं उनका भी उतने ही तहे दिल से स्वागत। आज जो हमारा विषय है वो है मुद्रा रहस्य, और बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत जन बोले थे इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। एंड टुडे मिलिंद भैया इज हेयर विद अस। एंड मिलिंद भैया, आपको मैं बताना चाहूंगा ये सेशन के बारे में जो हम लोग ये करते हैं। ये सेशन हम लोग करीब 1 साल 3-4 महीने हो गए हम लोग डेली ये सेशन कर रहे हैं बिना एक दिन का गैप लिए। और ये सेशन का कुछ पर्पस है, पर्पस यही है कि जो भी ये सेशन देखे उसके चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए, उसके उसका जो जीवन है वो एक उत्सव बन जाना चाहिए, और वो इतना सशक्त हो जाए कि वो समाज से वायलेंस को मिटा दे और समाज से स्ट्रेस को मिटा दे। एंड ये जो हमें विजन मिला है ये गुरुदेव का ही विजन है, और गुरुदेव का विजन ही हमारा मिशन है, एंड उसी को लेके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भैया, इस सेशन में ज्यादातर लोग जो आते हैं वो ज्यादातर लोग आर्ट ऑफ लिविंग से ही कनेक्टेड है, तो ये बहुत ही घर का सेशन है, बहुत इनफॉर्मल होता है, कोई दूरी नहीं होती है, एंड घर का सेशन है, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा लोगों के आगे। सो मिलिंद भैया के बारे में बताऊं तो आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर है, एंड वो करीब इन्वॉल्व है आर्ट ऑफ लिविंग में 2001 से, एंड जस्ट अ सेकेंड, एंड ही इज अ पार्ट टू टीचर ऑल्सो। जस्ट अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल ग्लिच। यस, सो मिलिंद भैया के बारे में बता रहा था कि ही टीचेस पार्ट टू DSN शक्ति क्रिया श्री श्री योगा लेवल 2 सहज समाधि कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, साइकोलॉजिस्ट है। ही इज ऑल्सो एन इनोवेटर इन द डिफेंस सेक्टर। एज अ ट्रेनर ही हैज पर्सनली ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट योगा मेडिटेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। He has traveled extensively as a speaker and addressed events in government sectors like Salalah Embassy, Government of Rajasthan, BSF, Central Railways, Coal India, and many educational institutes like BNIT, NLU, Jodhpur, Government Engineering College, Nagpur, GMC, etc. He is currently holding the post of Regional Director of Yoga in the organization. He has also taken training programs abroad in countries like Taiwan, Oman, Bahrain, Salalah, and Nepal. In his company, there is an effortless blossoming of minds where it's joy or knowledge, wisdom or humor. All of these qualities are imbibed in participants' lives. An innovator in defense sector, an exponent of the traditional martial arts of syllabum stick fighting, and also a passionate for cooking and communication skills. He is a multifaceted person indeed. At last, he can also sing song backwards. And काफी भैया के बारे में बताने जाऊं तो बहुत सारी चीजें हैं, एंड हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज वो हमारे साथ है ये सेशन में, एंड आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुद्रा रहस्य के ऊपर। भैया, ये मुद्रा रहस्य क्या है, इसके ऊपर से आप पर्दा हटाइए आज। यस यस यस, ऑफ कोर्स। सो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर सारे साधक लोग हैं। इनफैक्ट ये ज्ञान जो है ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी तो ध्यान को अनुभव किया है, जो लोग इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में कनेक्टेड है, कुछ तो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज ये नॉलेज लोगों को टेंजेंशियली जा सकता है, राइट? सो बीइंग अ साधक, आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी परफॉर्मिंग योर डेली साधना एवरीडे। आप सब लोग रोज कुछ ना कुछ तो साधना कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, कई लोग पद्म साधना करते हैं, संयम करते हैं, सहज समाधि मेडिटेशन करते हैं, योगा करते होंगे आप सब लोग। ये मुद्रा क्या चीज है? सो बीइंग अ साधक, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब हम साधना करते हैं, जब कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि
कि आप लोगों को कई बार हाथों को आसमान की ओर खुला रखने के लिए बताया जाता है, कई बार हाथों को रिवर्स रखने के लिए कहा जाता है, ये कब कहते हैं भैया, ये तो हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया। ओके नाउ वेट अ मिनट, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग पद्म साधना एवरी डे? मेनी ऑफ यू, करेक्ट। अच्छा भाई, पद्म साधना में जब हम लोग बॉडी रोटेशन करते हैं तब हाथों को कैसे रखते हैं, हाथों को, हथेली को खुला रखते हैं या उल्टा रखते हैं? ओके खुला रखते हैं। अच्छा, जब आप ध्यान करते हैं तब हथेली को आप कैसे रखते हैं? खुला रखते हैं। ओके और जब हम अग्निसार करते हैं या कपाल भाति करते हैं तब हाथों को रिवर्स रखते हैं? डिड यू नोटिस दिस थिंग? इफ यू लर्न योगा प्रॉपरली तो आपको जो टीचर है वो बताएंगे हाथों की पोजीशन क्या होती है ना। हम लोग कभी ध्यान नहीं देते कि ये छोटी छोटी चीजें क्या है। नाउ हियर लाइज द सीक्रेट ऑफ मुद्रा, ये सारी की सारी जो है यह मुद्रा का विभाग है। हमारे शरीर में बहुत सारी एनर्जी चैनलाइज होती है जब हम अलग अलग तरीके की मुद्राएं करते हैं। तो मुद्राएं क्या है इसके बारे में हम लोग जरा विस्तार से जानते हैं। अगर आप भारतीय परंपरा को देखेंगे, कल्चर को देखेंगे, नॉलेज सेशंस को देखेंगे, मंदिरों में जाएंगे तो आप कोई भी एक मूर्ति बगैर मुद्रा के नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ पर भगवान को अक्सर चतुर्हस्त बताया जाता है और जो चारों हाथ रहते हैं वो चारों अलग अलग मुद्राओं में रहते हैं। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, एक हाथ में शंख है तो शंख होल्ड कैसे करते हैं उसमें भी एक मुद्रा है। आप लोगों ने देखा होगा अगर हाथ में पुष्प भी पकड़ा है तो उसको पकड़ने के लिए एक विशिष्ट मुद्रा है ना। ये क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों किया हुआ है? भगवान बुद्ध की अगर आप मूर्ति देखेंगे तो वो या तो शिव शक्ति ज्ञान मुद्रा में बैठी रहेगी या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा में होती है। ये इसके पीछे का साइंस क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। एक साधक के लिए मुद्रा का विशेष महत्व होता है उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अच्छा, ये ज्ञान ऐसे ही रिवील नहीं किया जाता है। मुद्रा का जो ज्ञान है इसे प्रयत्न के साथ में रहस्य रखा गया है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो मुद्रा को जानने के लिए सबसे पहले हमें सीक्रेट ऑफ क्रिएशन को जानना पड़ेगा कि मुद्राएं काम कैसे करती हैं। मुद्राओं की सहायता से हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। मुद्राओं की सहायता से इस वर्तमान जीवन में, इस स्थूल जगत में जो भी परेशानी बाधाएं आ रही है उन्हें हम चुटकियों में दूर कर सकते हैं। ये मुद्राएं इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो ये मुद्रा एग्जैक्टली काम कैसे करती है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा सीक्रेट ऑफ क्रिएशन के बारे में जानना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएशन? तीन जगत होते हैं। एक होता है कारण जगत, एक होता है सूक्ष्म जगत और एक होता है स्थूल जगत। स्थूल जगत माने क्या? हम जहां पर जिस दुनिया में रह रहे हैं, आप जिन सारी चीजों को देख पा रहे हैं यह कहलाता है स्थूल जगत। ये पृथ्वी, ये भूलोक, आपका एग्जिस्टेंस, आपका शरीर, आपका मन, ये सब स्थूल जगत है। स्थूल माने क्या? बड़ा, जो दिखता है, ग्रॉस, एवरीथिंग दैट कैन बी कैप्चर्ड थ्रू योर सेंसेस, हमारी इंद्रियों के पकड़ में जो कुछ भी आता है उसे कहते हैं स्थूल जगत। इसे चलाने वाला एक सूक्ष्म जगत होता है। सूक्ष्म जगत से ही ये सारी दुनिया चल रही है। आपको क्या लगता है हमारी धरती हमारे सोलर सिस्टम में कोइंसिडेंस के साथ में आकर रख दिया है किसी ने? नो माय डियर फ्रेंड, हम वेदांग ज्योतिष भी पढ़ते हैं। सूरज के आसपास में जो ग्रह है उनकी कक्षा निर्धारित है। पृथ्वी एग्जैक्टली इतने डिस्टेंस पर कैसे आई कि यहां पर जीवन संभव हो पाया? थोड़ा और पास में होता, बुध के करीब होती तो पृथ्वी इतनी गर्म होती यहां पर सब कुछ भाप के रूप में रहता। मान लीजिए यह जुपिटर जितने डिस्टेंस पर होती, मंगल जितने डिस्टेंस पर होती तो इतनी ठंड होती, यहां पर बर्फ ही होता, यहां पर जीवन संभव ही नहीं हो पाता था, राइट? लेकिन ये सारी की सारी घटनाएं अपने आप नहीं हुई है, कोइंसिडेंस के साथ में नहीं है। इसके पीछे एक डेफिनेट पर्पस है, कोई तो एक ताकत है जो चला रही है। जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हैं तो या तो आप लैपटॉप पर देख रहे होंगे, टैब पर देख रहे होंगे या फिर मोबाइल में देख रहे होंगे। सो मोबाइल इज ग्रॉस, इट इज स्थूल जगत। उस मोबाइल को चलाने के लिए, लैपटॉप को चलाने के लिए पीछे से एक ड्राइविंग फोर्स है,
एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रही है, भीतर बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हैं, इंटरनेट के मार्फत से हमारे ऑडियो विजुअल के सिग्नल जा रहे हैं जो कि दिखते नहीं है, बट बिकॉज दे आर देयर योर लैपटॉप मोबाइल एंड टैब इज फंक्शनिंग। वैसे ही इस स्थूल जगत को चलाने के लिए पीछे एक दुनिया होती है जिसे कहते हैं सूक्ष्म जगत। ये उस डिविनिटी ने, उस क्रिएशन ने तैयार किया है। उस स्थूल सूक्ष्म जगत के मार्फत इस सूक्ष्म जगत में, इस स्थूल जगत में हम लोग बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उस सूक्ष्म जगत में हमारी एंट्री नहीं होती है। इंसानों की एंट्री, हमारी पकड़, यह केवल स्थूल जगत में है। और एक होता है कारण जगत। कारण जगत मतलब क्या? कॉजल वर्ल्ड, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, विच इज द रूट कॉज ऑफ एवरी सिंगल हैपनिंग। वी आर एक्सटेंशन ऑफ नथिंग बट दैट डिविनिटी, उस दिव्यता, आप उसे जिस नाम से बुला लीजिए, प्रकृति बोल लीजिए, भगवान कहिए, शंकर जी कहिए, मैं उसे डिविनिटी के नाम से बुलाता हूं। तो ये जो डिविनिटी है, यह कारण है हम सबके यहां पर होने का, राइट? तो स्थूल जगत में अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो वह सूक्ष्म जगत से संभव है, लेकिन सूक्ष्म जगत में इंसानों की, मनुष्य की एंट्री नहीं होती है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सिद्ध लोग होते हैं, उनकी कुछ मात्रा में इस सूक्ष्म जगत में एंट्री होती है। आपने देखा होगा, यदि हम गुरु के पास में जाते हैं, सिद्ध लोगों के पास में जाते हैं, उनके पास में जाके आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि उपाय बताते हैं आपको कि ये उपाय कर लीजिए, फिर आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग वैसे वैसे उपाय करते हैं तो अपने आप इस स्थूल जगत में सारी चीजें ठीक हो जाती है, हमारी परेशानी ठीक हो जाती है, भाई कुछ काम अटका हुआ है वो काम पूरा होने लगता है, बाधाएं दूर हो जाती। कैसे हो पाता है? जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो सिद्ध लोग रहते हैं, गुरु होते हैं, उनकी कुछ मात्रा में इस सूक्ष्म जगत में एंट्री अलाउड है। कैसे करते हैं? वो डिविनिटी ने तय किया हुआ है। हाँ, मनुष्य भी जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो इस सूक्ष्म जगत में एक लिमिटेड एंट्री हमें मिल सकती है, राइट? तो जो यह हमारी मुद्राएं हैं, इसके द्वारा हम कुछ सिद्धि या फिर किसी मात्रा में हम इस सूक्ष्म जगत को अल्टर कर सकते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली ऐसी प्रक्रिया है। और इस दुनिया में जो भी चीजें बहुत ज्यादा शक्तिशाली है उसे रहस्य रखने का प्रावधान है। हर जगत के अपने रहस्य होते हैं, इस स्थूल जगत के अपने एक रहस्य हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में 5 तरह के रहस्य बताया है जो इस पृथ्वी में प्रकृति ने रखा है, इस डिविनिटी ने रखा है। एक होता है जन्म रहस्य, एक होता है मृत्यु रहस्य, एक होता है प्रकृति या ज्ञान रहस्य, फिर होता है मंत्र रहस्य, और 5वां है राज रहस्य, सीक्रेट ऑफ गवर्नेंस। कोई व्यक्ति कैसे राज करता है, नोबडी नोज। सब कुछ प्लेट में सामने रख दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को वह पद नहीं मिलेगा, वह स्थान नहीं मिलेगा जहां से दूसरे लोग आपको सुनेंगे, सीखेंगे। तो राज कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है, जिनकी लोग सुनते हैं, यह क्या चीज है, नोबडी नोज। देन जन्म कैसे होता है, नोबडी नोज। वी नो ओनली द प्रोसेस, ह्यूमन बर्थ कैसे होता है, कोई भी बर्थ कैसे होता है, एक एग होता है, एक स्पर्म होता है, दोनों मिलेंगे, वो फिटस तैयार होगा, वो बढ़ेगा, सेल डिविजन होगा, मैकेनिकल प्रोसेस पता है, उसके भीतर में चेतना कहां से आती है, सब कुछ ऑटो पायलट कैसे है और क्यों है, ये कोई नहीं जानता, ये सीक्रेट है। मृत्यु रहस्य है, जिसकी वजह से हम यहां पर सारे इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर आता है उसके साथ में एक विशेष आयु निर्धारित कर दी जाती है। कौन तय करता है? नोबडी नोज। और इसीलिए हम इस लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मृत्यु अटल है। प्रकृति रहस्य है, ये प्रकृति कैसे काम करती है, ज्ञान कैसे काम करता है, नोबडी नोज। एक बड़ी फेमस पॉपुलर सेइंग है इस अध्यात्म की दुनिया में, नॉलेज हैज द ऑर्गेनाइजिंग पावर। इस ज्ञान में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, स्वयं गठित होने की क्षमता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने पात्रता हासिल की है तो ये ज्ञान व्यवस्था करेगा कि आप तक, जिस ज्ञान की आपने पात्रता हासिल की है, अपने आप तक पहुंचेगा ही। जैसे इस वक्त, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू दिस मुद्रा रहस्य, ये ज्ञान आप तक इसलिए अभी पहुंचा है बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड टू अटेन दिस नॉलेज। फिर अपने आप प्रकृति सारी व्यवस्था कर लेगी, आपको समय मिल जाएगा, आप तक मैसेज पहुंच जाएगा, आपको
क्या कहते हैं, सारे रिसोर्सेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे हाथ में केवल पात्रता हासिल करना है, किसी भी स्तर का ज्ञान। आपने जब कभी भी पात्रता हासिल की है, आप तक वह पहुंचा ही है, आपको और कुछ नहीं करना है। से टेक एन एग्जांपल ऑफ सुदर्शन क्रिया। हम कैसे आए भाई सुदर्शन क्रिया करने के लिए? किसी ने तो चाहा कि हम आ जाए, ऐसा नहीं है, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड। अच्छा, क्वालिफिकेशन कैसे मिलता है? उसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मन में उठने वाला एक विचार हो सकता है कि आपको क्वालिफाई करा दे, आपका किया हुआ कोई अच्छा कर्म हो सकता है आपको इस पद पर आगे बढ़ा दे। आपने कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली है और उसमें मन अटक गया है कि ये क्या चीज है, मुझे जानना है। मन की वो क्यूरियोसिटी आपकी पात्रता बन सकती है। यू आर कनेक्टेड विद दैट डिविनिटी ऑलमाइटी, राइट? तो पात्रता के हिसाब से आपको अपने आप ये ज्ञान रिवील कर दिया जाएगा। सो प्रकृति जो है ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। ये कैसे काम करता है नोबडी नोज। कई लोग इसे ज्ञान रहस्य भी कहते हैं। एक होता है मंत्र रहस्य। मंत्रों की सहायता से हम इस सूक्ष्म जगत को अल्टर कर सकते हैं और ऐसा होता भी है। सारे मंत्र आपके लिए नहीं होते हैं। कुछ मंत्र उच्चारण के होते हैं, कुछ मंत्र भीतर लेने वाले होते हैं, कुछ मंत्र जाप के होते हैं, कुछ मंत्रों को छुपा कर रखना पड़ता है, उनमें बहुत ताकत होती है। मननात त्रायते इति मंत्रः, मनन की प्रक्रिया से जो बाहर निकालता है उसे मंत्र कहते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट है भाई, हम लोगों के मन को जानना चाहते हैं। मन में एक बार रिपीटेटिव थॉट आ गया, उसके इन्फ्लुएंस में इंसान डिप्रेस हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। एक थॉट मन के भीतर में लूप में चल रहा है, इसे मनन कहते हैं। चिंतन मनन आपने सुना होगा ना, बहुत ताकत होती है मंत्रों में। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपके मनन की प्रक्रिया से वो बाहर निकाल दे। सी हाउ ब्यूटिफुली आवर एंसेस्टर्स हैव डिफाइंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आवर माइंड। हम लोग आज भी नई नई तकनीकें खोज रहे हैं, नई नई थेरेपीज खोज रहे हैं कि लोगों की ये मन की अवस्था से उनको बाहर निकाल पाए। हमारे पास में ऑलरेडी ये ज्ञान अवेलेबल है। तो मंत्र रहस्य, ऐसे ये पांच सीक्रेट बताया गया है, राइट? तो हर एक जगत के अपने अपने एक सीक्रेट्स होते हैं भाई। अच्छा, ये ज्ञान को क्यों सीक्रेट रखा है? मुद्रा कैसे काम करती है भाई, इसका पर्पस क्या है? तो मुद्रा जो है ना, ये कॉस्मिक सर्किट के जैसा काम करती है। हम लोग ना एक ऊर्जा के समंदर में डूबे हैं, ऐसा समझना। हमारे आसपास में कोई खाली जगह नहीं है, वैक्यूम प्लेस नहीं है। This entire place is filled up with lots of energy, tremendous energy है। लेकिन यह ऊर्जा जो है हमारा शरीर डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकता है। ये वह उस प्रकार की ऊर्जा नहीं है जिस प्रकार से आपका शरीर उससे फायदा उठा सके। ये कॉस्मिक एनर्जी है, हमारा शरीर वाइटल एनर्जी को ले सकता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल चावल, एक कटोरी चावल आपने लिया, उसमें 200 कैलोरीज होती है। लेकिन आपने कच्चे चावल खा लिए तो आपको 200 कैलोरीज नहीं मिलने वाली है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चावल को उस अवस्था में लाना पड़ेगा जहां से आपकी बॉडी उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो हम उस चावल का भात बनाते, उसे पकाते हैं, उसके बाद में आपका शरीर उससे कैलोरी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कच्चे चावल आप खाएंगे तो शरीर का एनर्जी उससे लगेगा ड्रेन आउट करने के लिए, क्योंकि शरीर कच्चे चावल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वहां से एनर्जी, राइट? तो हमारे आसपास जो ऊर्जा है यह उस फॉर्म में है जिसे हम लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक पंपकिन का बीज ले लिया, कद्दू, मराठी में उसे कोहड़ा कहते हैं, ठीक है? आप एक गमला लीजिए, गमले में आप मिट्टी डालिए, उस मिट्टी को गिन लीजिए पहले कि हमने 10 kg उसमें मिट्टी डाली है। किलो से गिन लिया भाई, 10 kg मिट्टी डाल दिया। फिर उसमें एक अच्छी क्वालिटी का कद्दू का बीज लगाइए, फिर एक क्रीपर आता है, बेल आएगी और उसमें 3 महीने में फल लगेंगे। हमारा बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का था, हमने उसमें से 15 कद्दू लिए, 15 पंपकिंस वी हैव गॉट, और हर एक कद्दू का साइज मान लीजिए 10 किलो का है। सो 3 महीने में आपको 150 kg पंपकिन मिल गया, करेक्ट? ओके, अब उस क्रीपर की, उस बेल की लाइफ खत्म हो गई। आपने उस बेल के पौधे को पॉट से निकाल दिया। अब जो मिट्टी बची हुई है आप उसे वापस गिनिए केजी में, उस मिट्टी का वजन कम हुआ रहेगा या ज्यादा रहेगा या उतना ही रहेगा? ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा, ओके। बाकी क्या, कितने लोगों को लगता है ज्यादा रहेगा, हाथ ऊपर करें। ओके, कितने लोगों को लगता है कम हो जाएगा मिट्टी का वजन? ओके, कितने लोगों को लगता है कि वजन मिट्टी का उतना ही रहेगा?
मिट्टी का वजन नहीं बदल रहा. एग्जैक्टली, मिट्टी का वजन नहीं बदलेगा माय डियर फ्रेंड. हमने उसमें जितनी मिट्टी डाली थी, मिट्टी का वजन उतना ही रहेगा. मिट्टी का वजन ना कम रहेगा ना, वो फर्टिलाइजर वगैरह पानी वगैरह भूल जाइए, हम केवल मिट्टी की बात कर रहे हैं जिसमें वो जीवन पनपा. राइट, मिट्टी का वजन सेम है 10 kg. अब 10 kg अगर सेम वेट है तो माय डियर फ्रेंड ये 150 kg बॉडी मास, एक ऐसी ठोस वस्तु अब आपके पास में, ये कहां से आई? सोचने वाली बात है या नहीं है? आपने शून्य से 150 किलो कोई तो चीज, कोई तो वस्तु पैदा कर दी. कैसे? ओके, वो जो बीज है, वो जो बेल हमने तैयार की, जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक स्पेशल प्रोसेस इस प्रकृति ने डालकर रखा हुआ है, उन्हें हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सूरज से प्रकाश लेकर वो बॉडी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा शरीर ऐसा कन्वर्ट नहीं कर सकता है. ये तंत्र प्रकृति ने प्लांट्स में दिया हुआ है कि वो सूरज से ऊर्जा लेकर, देखिए आपको 150 किलो कद्दू दे दिया एक बीज ने, एक बीज ने. और वो मिट्टी, वो वातावरण जैसे का वैसा ही है और कुछ नहीं है. ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उस प्लांट के भीतर में यह मैकेनिज्म है कि आसपास के एनवायरमेंट से ऊर्जा ग्रहण करके उसे बॉडी मास में कन्वर्ट कर दिया जाए. तो एक तंत्र लगता है, एक टेक्निक लगती है. मुद्रा जो है यह ऐसी ही एक टेक्निक है जिसमें हम इस कॉस्मिक एनर्जी को वाइटल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. हमारा शरीर अलग अलग तरह की मुद्राओं के द्वारा शरीर के भीतर में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को या तो क्रिएट करेगा, या तो ट्रांसफॉर्म करेगा, या तो उसे क्लब करके उसे संग्रहित करके रखेगा. ये काम होता है मुद्रा का, इसलिए इसे कहते हैं कॉस्मिक सर्किट्स. हर एक तरह का सर्किट अलग होता है. एक ऑडियो एम्पलीफिकेशन का सर्किट होता है, वो ऑडियो को एम्पलीफाई करेगा भाई, है ना. एक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप होगा तो करंट को बढ़ाएगा, स्टेप डाउन होगा तो करंट को कम करेगा. एक लाइट का सर्किट होता है, वो क्या करेगा भाई, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उसको लाइट वे उसमें कन्वर्ट करेगा. वैसे ही ये जो कॉस्मिक सर्किट होते हैं, मुद्राएं होती है, इनका अलग अलग पर्पज होता है. अच्छा भाई, ये मुद्राएं अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो ये हमें क्यों नहीं पता है? जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी साधना आप करते हैं, उनके साथ में मुद्रा जो है ये इंक्लूडेड होती है, इनहेरिटेंट होती है. आपको भले ही पता ना हो, ये गुरु तय करते हैं कि साधकों को कब किस तरह से इस मुद्रा के ज्ञान से अवगत कराया जाएगा. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू are performing Padma Sadhana every day? Okay, बहुत सारे लोग कर रहे हैं. मुझे एक बात बताइए, Padma Sadhana में कितनी मुद्राएं हैं? आप टाइप कर सकते हैं, 1, 2. भैया उसमें मुद्रा कहां? कई लोगों को तो ये आश्चर्य हो गया भाई, 1 है 2 है 3 है, मुद्राएं होती भी है. ओके, आश्चर्य मत करिए, मैं अभी आपको गिनाऊंगा. उसमें 7 मुद्राएं होती है, मिनिमम 7, और 2 मुद्राओं में हम ट्रांजिशन के तौर पे जाते हैं. ओके, somebody has type 4. अच्छा भाई, मैं गिना देता हूं कौन कौन सी मुद्राएं हैं. अच्छा, जब आप शलभासन करते हैं तब तो आदि मुद्रा आपने उसमें कर लिया. आदि मुद्रा पता है आपको? शलभासन में दोनों हाथ हम थाइस जांगों की जोड़ के पास में गए, एक मुद्रा हो गई. अच्छा भाई, और दूसरी मुद्रा है क्या कहीं? हाँ, जब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो लेफ्ट हैंड को चिन मुद्रा में करते हैं. ओके, चिन मुद्रा हो गई, ये दूसरी मुद्रा हो गई. और कहाँ है भाई तीसरी मुद्रा, क्या है? ओके, आप स्टैंप ऑफ अ योगी करते हैं, योग मुद्रा, पीछे हाथ को आदि मुद्रा में बंद करते हैं और आगे झुकते हैं. दिस इज काया मुद्रा. काया मतलब क्या? बॉडी से की जाने वाली मुद्रा है. मुद्रा 3 प्रकार की होती है. एक होती है हस्त मुद्रा, जो हम हाथों के द्वारा कर सकते हैं. एक होती है मुख मुद्रा, और एक होती है काया मुद्रा. काया मुद्रा मतलब क्या? शरीर से की जाने वाली, पूरी बॉडी मुद्रा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं. राइट, तो स्टैंप ऑफ अ योगी, योग मुद्रा जो है वह काया मुद्रा है. ओके भाई, ये तो 3 हो गए. किसी ने तो लिखा चिन्मय मुद्रा. चिन्मय मुद्रा कब करते भाई? पद्म साधना में करते क्या? नो चिन्मय मुद्रा. ओके, अब बची हुई मुद्राएं मैं आपको बताता हूं. आश्चर्य हो रहा है? और भी मैं कह रहा हूं 7 मुद्राएं, गिनना शुरू करिए भाई. ओके, सर्वांगासन आप करते हैं. सर्वांगासन
आप जो करते हैं दैट इज विपरीत करणी. कभी आप लोग सर्च करिए इंटरनेट पर विपरीत करणी क्या है. सो व्हेन योर हिप्स योर पेल्विस इज नॉट इन लाइन विथ योर शोल्डर एंड योर लेग्स आर स्ट्रेच अप, यही जो आप सर्वांगासन करते हैं दैट इज विपरीत करणी. ये काया मुद्रा है. विपरीत करणी इज अ काया मुद्रा, ये बॉडी से की जाने वाली है. ठीक है. अच्छा, पर्वतासन करते हैं आप, दिस इज अंजलि मुद्रा नंबर 5. अच्छा भाई, शवासन करते हैं. टेम्पररी फेज में आप जब विश्राम करते तब आप शवासन में करते हैं. अगेन शवासन इज अ मुद्रा, काया मुद्रा. ओके, अब एक बचा है भाई. क्या है भाई, जब आप भुजंगासन में जाते हैं और आप आगे की ओर झुकते हैं जब आप स्टैंप ऑफ अ योगी करते हैं, तो दो मुद्राओं में आप टेम्पररी जाते हैं. एक होती है खेचरी जिसमें हम भ्रूमध्य पर ध्यान लगाते, एक होती है नासिकाग्र मुद्रा जब आप भुजंगासन के लिए ऊपर उठते हैं. टेम्पररी ट्रांजिशन फेज में हम इसमें से जाते हैं. आर यू गेटिंग इट? ओके, तो इतनी सारी मुद्राएं हो गई भाई. अच्छा, सुदर्शन क्रिया रोज करते हैं आप लोग? सुदर्शन क्रिया में कितनी, सभी लोग करते होंगे भाई, वो तो आप छोड़ना ही नहीं कभी. सुदर्शन क्रिया में मुद्राएं होती है? यस, जितने लोगों ने एडवांस कोर्स किया है वो लोग तो चार मुद्राएं तो बराबर करते हैं. मैं एडवांस कोर्स भी लेता हूं, हम लोग भी सिखाते हैं. चिन मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा. करेक्ट, ये चार मुद्रा तो हम लोगों ने कर लिया. ओके, इसके अलावा भी कोई मुद्रा करते हैं क्या हम लोग? ऑफ कोर्स करते हैं. थर्ड स्टेज प्राणायाम जो आप कर रहे हैं, थर्ड स्टेज प्राणायाम जो है इट इज कॉल्ड मांडुकी हस्त मुद्रा. मांडुकी हस्त मुद्रा. अच्छा भाई, भस्त्रिका करने के बाद यदि आपने एडवांस कोर्स किया होगा तो आप लोग बंद लगाते हैं. बंद लगाया है? ओके, बंद लगाते हैं. बंध त्रय, तीन बंध एक साथ लगाना, ये बंध त्रय मुद्रा है. अच्छा, ये भी सारे जगह पर नहीं सिखाया जाता है, केवल उन स्कूल ऑफ योगा में सिखाने का प्रावधान है जिनके गुरु उनके शिष्यों को सिद्धि के, ज्ञान के, मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं. ये तीनों बंधों का ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बताया गया है हठ योग प्रदीपिका में और घेरण संहिता में. ये जो दो स्क्रिप्चर्स है ये योग के बाइबल कहे जाते हैं. बाइबल कहना ठीक नहीं है, मैं आपको ये एक लाक्षणिक रूप में बता रहा हूं. ठीक है, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता, इनमें बंध त्रय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जो तीन अलग अलग बंध होते हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध, ये अलग अलग सिखाए जाते हैं, लेकिन एक साथ तीनों बंधों को लगाना केवल उन्हीं स्कूल ऑफ योगा में सिखाया जाता है, उन्हीं गुरु के यहाँ पर सिखाया जाता है जो सिद्धि के, मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे उनके साधक भाई. अच्छा, मतलब इस लाइफ की बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा भाई, तो जो बंध त्रय है वह एक मुद्रा है. और दूसरा, जब आप नकल्स को ज्वाइन करके ग्रोइन के पास में रखते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रह्म हस्त मुद्रा. आर यू गेटिंग इट? ये दोनों हाथों को नाखून ऊपर करके, नकल्स ज्वाइन करके जब आप रखते हैं, यू टेक दिस पोजिशन टू गो इन टू बंध त्रय, दिस पर्टिकुलर पोजिशन इज कॉल्ड ब्रह्म हस्त मुद्रा. फिर ये सब है तो ये हमको रिवील क्यों नहीं किया है भाई अभी तक के इस ज्ञान को? इसका प्रावधान है. इनफैक्ट इसके लिए एक स्पेशल श्लोक डेडिकेट किया गया है हठ योग प्रदीपिका में. हठ योग प्रदीपिका 3rd chapter verse number 9, इसमें कहा गया है गोपनीय प्रयत्नेन यथा यत्न करंडकम कस्याचीन नैव वक्तव्यम कुलस्त्री सुखम यथा. माने क्या, जिस तरह एफर्ट के साथ में पुरुष और स्त्री, हस्बैंड एंड वाइफ, इनके आपस के संवाद को गुप्त रखा जाता है, और जैसे यत्न से करंडक को, करंड मतलब पॉट, रत्न का जो पॉट है, जेवरात का जो डब्बा है, वो आप कहां पर रखते किसी को बताते नहीं है, वैसे ही इस ज्ञान को गोपनीय रखा जाना जरूरी है. तो जब जब समय आएगा आपको सही तरीके से इस ज्ञान से अवगत करा दिया जाएगा. जैसे अभी तक के इतनी सारी मुद्राएं आप कर रहे थे, लेकिन आपको पता था क्या कि ये सारी मुद्राएं आप कर रहे हैं? जिस मुद्राओं के नाम बता दिए वो तो आपको पता है कि हम नाम के साथ मुद्राएं कर रहे हैं, बट बाकी भी आप कर रहे हैं ना. सो इट इज गुरु हु हैज
Who has to decide? Are you getting it? अच्छा, अभी सही समय आया है, आपने पात्रता हासिल की है, तो अभी यह ज्ञान अभी आपको पता चल रहा है, कम से कम नाम तो पता चला कि ये हम मांडू की हस्त मुद्रा कर रहे हैं. अगेन बिकॉज इट इज बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड, आपने पात्रता हासिल की. क्या पात्रता है? वी रियली डोंट नो, और उसके लिए चिंता भी नहीं करना. इस ज्ञान के पथ पर बस आप आगे बढ़ने की लालसा रखना, मुझे ज्ञान प्राप्त करना, इतना मन में ध्यान रखना, और अपने आप ये डिविनिटी रिवील करेगी. आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप ये अगले स्तर का ज्ञान अपने आप आते जाएगा आपके सामने. ये ऑटो पायलट एस्केलेटर के जैसा है, राइट? ओके, तो और एक चीज है, इसे रहस्य रखने के पीछे कारण क्या है? मुद्रा जो है ना, ये सिद्धि प्रदान करता है. ये ज्ञान बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए भी इसे रहस्य रखा जाता है. पांच चीजों से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसा हठ योग प्रदीपिका में वर्णन है. इनफैक्ट और एक स्क्रिप्ट है, अगर मिलता है तो मैं आपको बता दूं. वन मिनट, गिव मी जस्ट वन मोर मिनट. एक सूत्र ये कहता है कि ततः अनिमादि प्रादुर्भाव काया संपत तत धर्म अनाभिगत. नाउ व्हाट डज इट मीन? हेंस द अटेनमेंट ऑफ अनिमा एटसेट्रा. अनिमा क्या है? यह एक सिद्धि है. अनिमा होती है, लघिमा होती है, गरिमा होती है. तो अनिमा जो सिद्धि है, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप आपको धारण करा सकती है. मतलब आप बैठे हैं और आप किसी चीज में और भी छोटा रूप लेकर जा सकते हैं. जैसे हनुमान जी वो सुरसा के मुंह में जाकर आ गए थे ना, क्योंकि उनको अनिमा विद्या आती थी. तो आप भी ये अनिमा जैसी विद्या ग्रहण कर सकते. कैसे कर सकते, ये आगे दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं. इस पथ पर आप लोगों को कई सिद्धियां हासिल ऑलरेडी हो चुकी है, डोंट वरी. हेंस द अटेनमेंट ऑफ अनिमा एटसेट्रा परफेक्शंस ऑफ द बॉडी एंड द नॉन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स फंक्शंस बाय द पावर्स ऑफ पंचभूतास. पांच पंचभूत जो होते हैं, यह पंचभूत के साथ में आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं. ये पंचभूत क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा. आपका शरीर ये पांच तत्वों के साथ में बना हुआ है, और ये पांच तत्वों को आप उनकी मात्रा को कम ज्यादा ऑल्टर करके हम ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और ये मार्ग है मुद्रा का. किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने जब पद्म साधना बताया उसमें मैंने जब ही कहा था कि सात मुद्राएं हैं, और मैंने एक्सप्लेन किया छह ही मुद्रा. सातवीं मुद्रा क्या है? सातवीं मुद्रा कहलाती है प्राण मुद्रा. प्राण मुद्रा भैया वो तो हम हाथ से करते हैं. किसी ने अगर पहले मुद्रा का ज्ञान किया होगा, किसी को पता है प्राण मुद्रा कैसे की जाती है? ओके, लास्ट टू फिंगर्स थंब ये जुड़ा हुआ, दो उंगलियां सीधी, ये कहलाती है प्राण मुद्रा. ये कब करते हैं आप? ओके, वन मिनट माय डियर फ्रेंड, अब मैं एक बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ आप लोगों के सामने. हाँ, वेलनेस प्रोग्राम अगर किसी ने किया होगा तो ये प्राण मुद्रा सिखाते हैं. मतलब वेलनेस प्रोग्राम का ये पार्ट नहीं है, मतलब ये नॉलेज का पार्ट है. ओके, तो ये प्राण मुद्रा है. नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं आप? ओके, दिस इज नाड़ी शोधन प्राणायाम. नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपकी प्राण मुद्रा बनती है. हाउ द थंब इज कनेक्टेड? ओके, नाउ हियर लाइज द सीक्रेट. नाड़ी शोधन प्राणायाम को इतने आसानी से नहीं लेना, ये एक बहुत बड़ी चीज है. नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या काम करती है, अब मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं. हमारी जो पांच उंगलियां हैं, जनरली ये अभी ऐसे सब रिवील नहीं किया जाता है, पर अभी आप लोग यहाँ पर उपस्थित है, साधक लोग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. हमारा थंब जो है ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को, मिडिल फिंगर आकाश तत्व को, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को, और लिटिल फिंगर जो है यह जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है. ओके, मैं होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों ने अगर कभी उसे अटेंड किया होगा या वैसे भी आयुर्वेद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा शरीर जो है इसमें तीन दोष आते हैं, वात पित्त कफ. तो वात ये कौन से तत्व को मिलकर बनता है हमारे शरीर में, पता है? ये बनता है एयर और स्पेस एलिमेंट.
वायु तत्व और आकाश तत्व को मिलाकर बनता है वात। कफ किस चीज के साथ में बनता है? पृथ्वी और जल तत्व को मिलाकर बनता है कफा। और अग्नि तत्व से बनता है हमारा पित्ता। ओके, अब ये तीन उंगलियां, ये अपनी उंगलियों को इस तरह से करिए, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व वात, पृथ्वी तत्व, जल तत्व कफा, फायर एलिमेंट पित्ता, वात पित्त कफ, और ये प्राण मुद्रा होती है। यू आर कनेक्टिंग योर प्राण मुद्रा विथ पावर ऑफ ब्रेथ। और ये तीन एलिमेंट आपके बॉडी में एक एक नाड़ियों का शुद्धिकरण करते, ये तीनों तत्व को बैलेंस करते जाते हैं। किसने बताया नॉलेज? नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? सही समय पर सही समय आने पर प्रकृति आपको बताएगी। When you qualify, the knowledge will be given. It is deliberately kept secret. क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है। ये तो छोटी मोटी मुद्राएं हैं, मुद्राओं से कुछ भी होता है। मैंने जो बताया ना, सिद्धियां प्राप्त होती है, पांच मार्ग बताए हैं सिद्धियों के, जन्म, औषध, औषध, एक मिनट मैं वो एग्जैक्ट आपको फ्रेज ही बताता, जन्म, औषधि, मंत्र, तपह, समाधि, ज सिद्ध यह, दिस इज द मंत्र, जन्म, औषधि, मंत्र, तपह, चार चीजों से आपको सिद्धि मिल रही है। जन्म से मिलती है, कौन से कुल में आए, कहां पर आए, किस तरह से आए। दूसरा औषधि, औषधि मतलब मेडिसिन नहीं, स्पेशल हर्ब, स्पेशल एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस सॉर्ट ऑफ फूड। आप लोग अगर तंत्र विद्या को अगर आप जानते होंगे, उसमें पांच मकार का प्रावधान है, मांस, मध्य, मैथुन, ऐसे कुछ कुछ तरह। तो मांस और मध्य ये आहार में आते हैं, ठीक है। किसी ने पूछा, भैया बिना जानकारी के अवेयरनेस के साथ करने से दोनों में क्या फर्क? बहुत बड़ा फर्क है। आप बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी गोली नहीं खा सकते। ये शरीर के भीतर में बहुत सारा प्रभाव, चेंजेस लाने की काबिलियत रखती है। कौन सी एनर्जी किस प्रकार की हमें नहीं पता है, आप उसे कैसे चैनलाइज कर रहे हैं आपको नहीं पता। तो जिसे पता है केवल उससे ही सीखा जाता है, इससे दूर रहना। ओके, मैं आप लोगों को ये मुद्रा क्या कर सकती है इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। अगेन, ये डेमोन्स्ट्रेशन केवल इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, इसे आप अपने आप मत करिएगा। मैं एक मुद्रा का एक पोर्शन आपको करा रहा हूं। रिजल्ट ऑफ दैट इज योर थॉट प्रोसेस इज गोइंग टू स्टॉप। जितने समय के लिए हम ये मुद्रा करेंगे, उतने देर के लिए आपका मन विचार शून्य हो जाएगा, जीरो। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं भाई, मन में कोई भी एक अवस्था ऐसी नहीं आती है जब मन में विचार नहीं आता है। When you are alert, जब हमारी अल्फा स्टेट चलती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, आपका मन कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस के साथ में रहता हूं। बट दिस पर्टिकुलर मुद्रा कैन स्टॉप योर थॉट प्रोसेस, राइट? डू यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट? ऑन वन प्रॉमिस, आप इसे अपने आप नहीं करेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि इसके पहले और इसके बाद में कुछ प्रोसेस होता है करने के लिए। मैं आपको इसका एक पोर्शन करा रहा हूं, बिकॉज आई नो हाउ टू टीच मुद्रा। इसके पीछे क्या साइंस है, उसमें क्या चीजों को ख्याल रखा जाना है, आई नो अबाउट इट, सो आई कैन टीच। आप इसे अपने आप बिल्कुल नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए भी बिल्कुल नहीं करना। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जानने के लिए कि मुद्राओं से क्या हो सकता है, राइट? तो ये जो है, ये नभो मुद्रा कहलाती है। नभ कैसा होता है? आकाश, शून्य। इसे अंतरिक्ष को व्योम भी कहते हैं ना। आकाश कैसा है? शून्य है, जीरो, उसके आगे और कुछ नहीं है। तो हमारा मन भी ऐसे ही आकाश जैसा शून्य हो जाएगा उतने देर के लिए। अच्छा, मैं केवल 10 सेकंड के लिए इस प्रोसेस को कराऊंगा, मैं रिवर्स काउंटिंग करूंगा, 10, 9, 8, 7, धीरे धीरे करूंगा। उतने देर के लिए, जब तक ये काउंटिंग हो रहा है, आपका मन विचार शून्य हो जाएगा। यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस ब्लिस, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? उस शून्य को आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, अगेन रिपीटिंग, इसे अपने आप बाद में कभी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि इसके पहले और बाद में बहुत सारी चीजें की जाती है। अच्छा, मुद्राओं को करने का ना एक प्रावधान होता है। उसके पहले हम कुछ एनर्जी को चैनलाइज करने वाली एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी मुद्रा कभी भी नहीं की जाती है। इनफैक्ट आप अगर ध्यान दीजिए, जब भी आप एडवांस कोर्स में सिखाई हुई मुद्रा करते हैं, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, वो चारों मुद्रा करते हैं, उसके पहले आपने एक एनर्जाइजिंग प्राणायाम किया हुआ होता है। Did you notice that thing? You do भस्त्रिका,
अलग अलग तरह के प्राणायाम होते, उसके बाद ही ये मुद्रा करने का प्रावधान है। अच्छा, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, ओमकार करते हैं। ये कब करना है, कहाँ करना है, इसका भी प्रावधान है। तो ये जो नभो मुद्रा है, इसका एक पोर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, ये एंटायर मुद्रा नहीं है, ठीक है। ओके, इसे कैसे करते हैं भाई, इसे अंतर कुंभक के साथ में किया जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज कुंभक? नहीं पता। अंतर कुंभक क्या है, बाह्य कुंभक है, नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ। जो आप सांस भरते इसे कहते हैं पूरक, जिस सांस को रोक कर रखते उसे कहते हैं कुंभक, जिस सांस को बाहर छोड़ते उसे कहते हैं रेचक। इनहेलेशन एंड होल्डिंग द ब्रेथ अंतर कुंभक, सांस को भीतर भरा और रोक कर रखा अंतर कुंभक। एक्सहेलेशन एंड होल्डिंग द ब्रेथ इज कॉल्ड बाह्य कुंभक, सांस को बाहर छोड़ने के बाद में रोकते हैं तो इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। कुंभक का क्या काम है, कुंभक जो है आपके शरीर में एनर्जी प्रोवोक करता है और टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है। अगर आप मॉडर्न पैथोलॉजी लैब में जाएंगे, वहां पर अगर आप ब्रेथ एनालाइजर में सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक पर्टिकुलर वो ग्राफ देगा कि इतने परसेंटेज ऑक्सीजन गया, इतने परसेंटेज ऑक्सीजन बाहर आया, इतने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड गया, इतने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, राइट। पर जब आप कुंभक लगाकर सांस को छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज बढ़ गया हुआ होता है, ये फायदा होता है कुंभक का। और ये हमारे पुराने लोग बहुत सदियों पहले से, 20,000 साल पहले से जानते हैं, और आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता नहीं है। थ्री स्टेज प्राणायाम करते हैं क्या आप लोग, कितने लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं ना भाई, आप अगर सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इसमें आप एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। व्हाट इज द पैटर्न? ब्रीथ इन 2, 3, 4, होल्ड 2, 3, 4, ब्रीथ आउट 2, 3, 4, 5, 6, होल्ड 2, ब्रीथ इन 2, 3, 4, पूरक, होल्ड 2, 3, 4, अंतर कुंभक, ब्रीथ आउट 2, 3, 4, 5, 6, रेचक, होल्ड 2, बाह्य कुंभक। हमें नाम नहीं पता, बट यू आर फॉलोइंग द पैटर्न, आर यू गेटिंग इट? ये जो पैटर्न है ये आपके बॉडी में फायदा दिलाता है। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हर एक मुद्रा को करने के पहले उसके साथ कुछ तो प्रोसेस करने का प्रावधान है, तो आप लोग अपने आप इसे प्लीज प्रैक्टिस मत करिएगा, राइट। अच्छा, नभो मुद्रा कैसे करते हैं, अंतर कुंभक के साथ में, मतलब आपको सांस भरना है और रोक कर रखना है। जिस पल आप सांस को रोकोगे उस समय दो काम एक साथ करने हैं। अच्छा, इसके पहले एक काम करना है, आपके शरीर का कोई भी अंग जमीन को नहीं छूता हुआ होना चाहिए। तो अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो पैर के नीचे फुटरग रखिए या फिर कुछ कपड़ा रखिए, चप्पल तो रखिए एटलीस्ट। आप जमीन पर बैठे तो आपका शरीर का कोई अंग जमीन को नहीं छूना चाहिए। अगर आप टिक कर बैठे हुए हैं तो दीवार का सपोर्ट टेम्पररी छोड़ दीजिए, अपने रीढ़ को सीधा करके बैठना है, दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली रखनी है। फिर क्या करना है, मैं जब कहूंगा इस प्रोसेस को हम परफॉर्म करेंगे नभो मुद्रा, अगेन इट इज हाफ ऑफ द प्रोसेस, नॉट एंटायर प्रोसेस। इसका रिजल्ट क्या है, मन में थॉट रुक जाएगा। तो सांस भरना है और रोक कर रखना है, तो जिस पल आप सांस भर के रोकेंगे उस वक्त दो काम करना है, अपनी जो दृष्टि है इसको आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य में टिकाना है, ठीक है, दिस इज वन प्लेस। और दूसरी, अपनी टंग को फोल्ड करके पैलेट पे टच करना है। सो द मूवमेंट यू विल टच योर टंग टू द पैलेट, आपके विचार रुक जाएंगे। अच्छा, कितने देर के लिए करेंगे, 10 सेकंड के लिए, मैं रिवर्स काउंटिंग दूंगा, 10, 9, 8, 7, ऐसा है। तो जब मैं जीरो बोलूंगा और ब्रीद आउट बोलूंगा, धीरे से सांस छोड़ देना और सांसों को नॉर्मल होने देना, राइट। शैल वी डू इट? चलो, अब आराम से बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा करिए, गर्दन सीधी, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद ही रखना, बस एक गहरी सांस भरें और छोड़ दें। ब्रीद इन वंस अगेन एंड ब्रीद आउट। और अगली सांस के साथ हम नभो मुद्रा करेंगे, ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ, जीभ को रिवर्स करके पैलेट पे लगाएं, आंखों को भ्रू मध्य में टिकाएं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, सांस को बाहर छोड़ें, आंखें बंद ही रखें, अलाउ योर ब्रेथ टू सेटल डाउन, सांसों को व्यवस्थित होने दें, और आहिस्ता से धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अब बताइए क्या
कितने लोगों की थॉट प्रोसेस रुकी थी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट गुड? वेरी गुड. कितने लोगों के विचार आ रहे थे? यू आर अवेयर अबाउट योर थॉट्स? ठीक है, उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, जीरो हो जाती है. मतलब जिन लोगों का बहुत ज्यादा बॉडीली लेवल के साथ में कनेक्टेड है, अगेन इट्स इंटेंसिटी स्टॉप, राइट? सो दिस इज व्हाट मुद्रा कुड डू. तो ये मुद्रा जो होती है ये बहुत गहराई लिए हुए होती है, तो आप लोग चिंता नहीं करना. अच्छा, मार्केट में ना इसका बहुत ज्यादा थेरापिटिक यूज आजकल शुरू हो गया है. थेरापिटिक यूज मतलब क्या? पेट दर्द के लिए, या फिर सर दर्द के लिए, या फिर पेट खराब है. ये बहुत छोटी माइनर चीजें मैं बता रहा हूँ. क्यों? इसमें एलिमेंट्स को हम लोग बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ज्ञान जो थेरापिटिक यूज का है ना, ये क्या कहते हैं, हमारे एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए. देयर इज अ डेफिनेट डेफिनेट साइंस. यदि किसी को सीखना होगा मुद्राओं के बारे में, आप मुझे पर्सनली प्राइवेट कॉन्टेक्ट करिए. हर एलिमेंट जो हमने अभी बताया, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि नहीं, अग्नि छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को हमारे बॉडी में या तो हम बढ़ा सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, या तो बैलेंस कर सकते हैं मुद्राओं के माध्यम से. उसका एक तरीका होता है. हाउ यू टच डिफरेंट फिंगर्स, इट डज मैटर. इसीलिए किसी ने पूछा था ना, हम अपने आप कैसे करेंगे? आपने ऐसी उंगली रखा है और तीनों उंगलियां फैली हुई है, इससे फर्क पड़ेगा? बंद है, इससे फर्क पड़ेगा? आपने उंगलियों को कैसे टच किया? इसे परफेक्टली गोल किया हुआ है आपने, इसे आगे रखा हुआ है, इससे फर्क पड़ता है, राइट? तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है ये उस व्यक्ति से सीखी जाती है जिन्हें इसका कंप्लीट नॉलेज है, अदरवाइज इसे नहीं सीखा जाता है. तो जो थेरापिटिक यूज होता है इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग भीतर में जो पंच महाभूत है उसे बैलेंस करना है, बढ़ाना है, घटाना, इस पर यह नॉलेज रहता है, राइट? तो कई मुद्रा होती है प्राण शक्ति को बढ़ाती है, भाई प्राण मुद्रा कर लिया, अपान मुद्रा कर लिया, ये सब ये नोन है. और ये बहुत छोटी चीज है, मैं बता रहा हूं. अभी मैंने जो लास्ट वर्स बताई थी उसमें ये पंच महाभूतों से सिद्धि मिल सकती है, वो अनिमा वाला जो हमने देखा था श्लोक. तो पंच महाभूत को बैलेंस करने से सिद्धि, मतलब ऐसी कई सारी सिद्धियां आपको मिलती है, ये उसका बड़ा पर्पस है. मुद्राओं का जो पर्पज है ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए. थेरापिटिक यूज वो दो दिन में हम बता देंगे. मतलब इनफैक्ट ये सारा ज्ञान हो गया तो आप थेरापिटिक यूज तो अपने आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं. उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन वह डेफिनेट पर्पज नहीं है लाइफ का, इसको आप ध्यान में रखिएगा. मुद्रा जो है ये एक बहुत गहन विषय है और अध्ययन करने लायक विषय है. ओ ओ ओ पीतपाल भैया, आपने वो जो नंबर डाला है वो मेरा प्राइवेट नंबर है, वो वाला नंबर मत डालिए. इनफैक्ट अभी जो नंबर डाला है उस पर मत करिएगा, वो मेरे फ्रेंड क्लोज सर्कल के लिए. मेरा एक दूसरा नंबर है, आप उसे नोट कर सकते हैं, 93 वाला, राइट? ओके, सो अभिषेक भैया, आई होप मैंने ज्यादा समय नहीं लिया होगा. मैंने एक घंटे में सब कुछ कवर अप करने का प्रयास किया है. आपसे यही कहना चाहूंगा कि काफी जन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट होंगे, किस टाइम में आपको कैसा रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. कि बहुत जन की क्यूरोसिटी बहुत बढ़ गई है, यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग कमेंट्स लगातार किए जा रहे हैं, मुझे सीखना है, मुझे और जानना है सारी चीजें, तो कैसे क्या करेगा? जो भी व्यक्ति मुद्रा संबंधित और ज्ञान पाना चाहते हैं, मुझे आप प्राइवेटली मैसेज करिए. इनफैक्ट मैं कुछ पहले से भी बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है, तो इसका एक लर्निंग सेशन रखेंगे. ऑफ कोर्स वो प्राइवेटली होता है, आप जो भी करना चाहते हैं तो हम इसे अलग से सिखाते हैं. आप मेरे से प्राइवेटली आप कनेक्ट करिए, जो नंबर दिया है, तो हम कभी तो इसके लर्निंग सेशन रखेंगे. 3 दिन में आप सीख जाएंगे, रोज तकरीबन 2 घंटा आप स्पेयर करिए, यू कैन लर्न, देन यू नीड टू प्रैक्टिस. तो इसमें भी अभी भी बता रहे हैं, वो जो गहन स्तर वाली जो सारी मुद्राएं होती है वह आप सारी की सारी अभी सीखकर सिद्धि प्राप्त लेंगे, ऐसा सब आग्रह नहीं रखना. हमें पात्रता के हिसाब से ज्ञान आते जाएगा, और कई तरह की सिद्धियां ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, ठीक है? एक वाक सिद्धि होती है, आप में से कई लोगों का ये अनुभव होगा, आप कुछ बोलते हैं और वो चीज हो जाती है,
आप में से कई लोगों का अनुभव होगा, आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं, वो व्यक्ति या तो सामने आएगा या तो उसका कॉल आएगा। आप कोई गाना गुनगुनाते हैं, वो गाना आपको रेडियो में बजता हुआ टीवी पर चैनल सर्फिंग करते वक्त सामने नजर आता है। आप कोई एड याद करते हैं, वो टीवी पर नजर आती है। ऐसे कितने लोगों का है अनुभव? सब लोगों का है, सब लोगों का है, मैं बता रहा हूँ। तो गुरु जी ने कई तरह की सिद्धियां हमें ऑलरेडी दे दिए। दैट शुड नॉट बी द पर्पस। ज्ञान प्राप्ति के लिए आप इसे सीखना चाहते हैं, आगे बहुत सारा स्कोप खुला हुआ है। तो जितने भी लोग इसे सीखना चाहते हैं, मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करिए और इसका हम सेशन रखते हैं अलग से। यू कैन ज्वाइन दैट सेशन एंड लर्न। यूट्यूब में जो लोग पूछ रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं, कैसे कॉन्टेक्ट करें, ये सेशन जैसे ही खत्म होगा तो ये वीडियो यूट्यूब में मीन्स विद इन 2-3 मिनट्स अपलोड हो जाता है। तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का नंबर लिख दूंगा। हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे? यूट्यूब में हमेशा क्लियर रहेगा? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, ये यूट्यूब में हमेशा क्लियर रहेगा या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन क्लियर रहेगा? भैया वैसे तो हमेशा के लिए रहता है कोई भी वीडियो। ओके ठीक है। नहीं नहीं, मैं मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ यूट्यूब की दुनिया से, तो आई एम ऑल्सो क्यूरियस। हाँ, तो ये वैसे तो ये बहुत ही मतलब ऐसा सेशन है जो इसमें आपने कई रहस्य खोल दिए, लेकिन ये भी है भैया कि हम लोग की प्रातरता थी तो हम ये सुन पाए। जैसे आपने बोला, तो जो भी लोग सुन रहे हैं ऑब्वियसली वो कुछ किसी ना किसी स्टेज में तो है कि ऑब्वियसली उनको इतना ज्ञान मिल रहा है, वो सुन पा रहे हैं। एंड ये भैया अभी मैं कुछ पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हैं आप लोग चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है इसके स्पेसिफिक तो आप पूछ सकते हैं, हम एक दो प्रश्न ले लेंगे। अगर आपको YouTube में भी देख रहे हैं तो YouTube में तो काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं दोनों जगह से एक या दो प्रश्न ले लूंगा, हमारे पास कुछ समय है, 7 मिनट्स बचे हैं, तो हम एक दो प्रश्न जरूर ले लें। अगर आपको कुछ है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। भैया एक मेरा जो प्रश्न के बारे में आपने जाना है, ऐसे मंत्र रहस्य की भी एक दुनिया है। इनफैक्ट आप अगर मेरा, वैसे आप लोगों जितना बड़ा तो नहीं है, एक छोटा सा यूट्यूब का मेरा भी चैनल है, मेरे ही नाम से है चैनल, क्या है, मैं जो भी मेरे वीडियो होते हैं ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ, तो उसमें उसमें शायद नहीं होगा, मंत्र रहस्य पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो जानने के लिए कि मंत्र कैसे काम करते हैं, मंत्र क्या होते हैं, मंत्र का भेद क्या है, हाउ इट अफेक्ट्स अवर सूक्ष्म वर्ल्ड, तो आप वो भी कभी तो ये कर सकते हैं। बंध के बारे में बताइए, बंध त्रय। ओके, किसी ने तो पूछा है बंध के बारे में, शैल वी टेक दिस। भाई आप YouTube चैनल का अपना नाम बता सकते हैं क्या? मिलिंद गुप्ता के नाम से गया, के नाम से ही होगा वो। ओके ओके ठीक, कि मेरा पर्सनल जो अकाउंट है गूगल का उसी से ही है, मैंने अलग से तो ऐसा चैनल बनाया नहीं है, मेरे पर्सनल। एक तो ये बंध के बारे में बताया, एक लास्ट क्वेश्चन, गुरु का महत्व, मीन्स ये सारी चीजें मैं दोनों के ऊपर होंगे क्योंकि गुरुदेव के बगैर तो कुछ होता नहीं। ओ यस, वो बंद का हम छोड़ते हैं, मैं गुरु का महत्व के बारे में बताता हूँ। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे उस दुनिया की जो इस दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, राइट, वो सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत में हम मंत्र के द्वारा लिमिटेड एंट्री ले सकते हैं, मुद्रा के बारे में लिमिटेड एंट्री ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ गुरु की एंट्री क्या चीज होती है, और ये मेरी गुरु स्टोरी है पर्सनल, ठीक है। विक्रम भैया को कितने लोग जानते हैं भाई? विक्रम हाजरा, वो सब बजाते हैं ना। अच्छा भाई, तो ये विक्रम भैया की खुद पर्सनली मुझे बताई हुई स्टोरी है। वो जब नागपुर आए थे, वो हमारे अच्छे मित्र भी है, मैं उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता था, तो नागपुर में हम लोगों ने एक बड़ा सा इवेंट उनका रखा था, तब उन्होंने ये स्टोरी बताई थी, उनके साथ घटी हुई घटना है, और इसमें गुरु का क्या विशेष महत्व है ये हमें पता चलता है। तो भैया ने क्या बताया, तो विक्रम भी अभी तो उनकी शादी हो गई है, वो सेलिब्रिटी सिंगर थे भाई, आर्ट ऑफ लिंक के मतलब सबसे सीनियर टीचर, मतलब हमने उनको जब से देखा है, वो DSN प्रोग्राम तब पढ़ाते थे, तो Level 2 के टीचर्स का तो बहुत विशेष महत्व होता था। ऊपर से गिटार इतनी फैंटास्टिक बजाते हैं, दिखने में हैंडसम, IIT से पढ़े हुए। अच्छा भाई, तो क्या था, विक्रम भैया ना मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे आर्ट ऑफ लिविंग के, तो जहां पर भी जाते थे वो सब लड़कियां भी घेर लेती थी उनको, और फिर जब कोई नहीं रहता था वो प्रपोज भी कर देती थी कि भैया हमसे शादी कर लो।
भैया भी बोलते थे शादी भी कर लो, चलता है भाई। लोग जहां पर जाते थे कोर्सेस लेने के लिए, वहां पर लोग अपने घर में इनवाइट करते थे खाना खाने पर, और फिर जब वो खाना खा रहे होते तो फिर वो बताते थे ऐसे तरीके से, भैया ये सब्जी ना मेरी बड़ी बेटी ने बनाई, उसने MBBS किया हुआ है। अच्छा, और वो जो खीर है वो मेरी मझली बेटी ने भेजा, वो MBA अभी पढ़ रही है। भैया सब समझते थे, वो बेचारे बैठे रहते थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि भाई शादी करना है नहीं करना है, ये गुरु जी से ही पूछ लेते हैं। तो गुरु जी के पास में गए और गुरु जी को बोला, गुरुदेव शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप ही बता दीजिए, तो मैं मुक्त हो जाऊं अपने इस चॉइस से। तो गुरु जी ने उनके तरफ देखा, बोले तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप जो बोलेंगे वो मैं पालन करूंगा। आपने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो गुरु जी ने फिर से बोला, बोल तू क्या चाहता है? तो विक्रम भैया ने कहा, विक्रम भैया ने तीसरी बार ना गुरु जी के साथ में एक फैंसी वर्ड यूज किया। उन दिनों आश्रम में एक ज्ञानी व्यक्ति आए थे, उनकी टॉक सीरीज चल रही थी, उन्होंने अपने टॉक में एक स्पेशल वर्ड यूज किया, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। कॉस्मिक ब्लूप्रिंट मतलब क्या, विधि का जो विधान है, भाग्य जो है, ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा होता है ना, तो ऊपर वाले ने हमारा जो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, जो भाग्य सोचकर रखा हुआ है, उसके लिए वो स्पेशल वर्ड यूज किया था, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। तो जितने भी आश्रमाइट थे वहां पर रहने वाले लोग थे, अपने टॉक में बीच बीच में इस शब्द को यूज करते थे, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। तो विक्रम भैया ने इस फैंसी वर्ड का यूज किया गुरुजी के सामने कि गुरुजी आप तो सबके कॉस्मिक ब्लूप्रिंट देख सकते हैं ना, प्लीज मेरा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट देखकर बताइए कि उसमें क्या लिखा है। उसमें यदि लिखा होगा हाँ तो मैं शादी करूंगा, ना तो नहीं करूंगा। तो पता है गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने ऐसे हाथ मारा माथे पे, बोले रे मूर्ख, मैंने तुझे 2 बार पूछा तू क्या चाहता है, अगर तेरे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट में नहीं भी लिखा होगा ना तो मैं लिख दूंगा। माय गॉड, कौन ऐसा बोल सकता है मैं विधि का विधान चेंज कर दूंगा, तुम्हारे भाग्य में मैं जो चाहूंगा वो मैं लिख दूंगा। मैं बता रहा हूं, आप ऐसी ताकत के साथ में जुड़े हुए हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस जुड़े रहिए, बस जुड़े रहिए। ये जुड़े रहिए का और एक स्टोरी है, हमारे TTC में हमें पता चला था, उस TTC का हमारा टेकआउट ये है, जुड़े रहिए। तो इतने सालों से बस जुड़े हैं और गुरु जी ने हर तरह का ज्ञान दिया है भाई, हर तरह से ब्लेस किया हुआ है। आप लोग भी बस जुड़े रहिए, मैं बता रहा हूँ गुरु जी आपके साथ में है। लाइफ में आपको क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा, ये एक शक्ति आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, आपकी गुरु शक्ति, आपके गुरु जी आपका सब इन एंड आउट जानते हैं। आपके लिए क्या चाहिए वो सब ऐसे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल करा दिया है, यू डोंट नो। कभी समय होगा तो हम आपको स्टोरी सुनाऊंगा, जुड़े रहिए वाले, पता चलेगा कि अपने गुरुदेव है क्या भाई। भैया अभी कुछ मिनट बच्चे हैं, भैया सुनाई दीजिए ना। 2 मिनट में नहीं होगा, थोड़ा जरा अच्छा है भैया, चलेगा ना दो, मतलब अगर हमारे भी हो जाए नहीं, फिर लोग भाई चले ना जाए, लोगों को क्या है बस। भैया 100 लोग YouTube में है, 100 लोग इधर भी है, 200 लोग तो है। ओके, और एक स्टोरी सुनना चाहते हैं आप लोग? Yes, मेरे पास स्टोरीज का खजाना, इतने साल में मैंने गुरु जी को बस अलग अलग तरीके से समझा है और मेरा जीवन ही गुरु स्टोरी है। हर पल एक नया कुछ तो घटना, आजकल तो हमने आश्चर्य करना छोड़ दिया है कि भाई ऐसा है गुरु स्टोरी। हमारे तो सेशन चलते थे, रात हो जाती थी, 3 बज जाते थे, गुरु स्टोरीज खत्म नहीं होती है। ओके, सो एक लास्ट स्टोरी सुनाओ आप लोगों को, ये भी उस दुनिया की स्टोरी है, सुनना है आप लोगों को? यस नो? ओके, तो साउथ में ना एक पीठ है, 1 मिनट, मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा गला सूख रहा है। ओके भाई, ये स्टोरी हमें हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के टीचर ने, भरत भैया ने, जिन्हें हम स्वामी ब्रह्मतेज जी के नाम से अभी जानते हैं, उन्होंने सुनाई थी। तो साउथ में ना एक विशेष पीठ है, वो लोग क्या करते हैं, वो वंश परंपरा से उनके यहाँ पर ये ज्ञान स्त्रोत चला आ रहा है। उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता है, वो अपने आसन पर बैठे हुए होते हैं, उन्हें एक ब्लैंक पेपर देना होता है, A4 साइज का, आपने जैसे ब्लैंक पेपर दे दिया। तो पेपर लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और फिर आंखें खोलते हैं, तो पेपर में सब कुछ लिखा हुआ उन्हें नजर आता है कि सामने वाला व्यक्ति, उनका नाम अभिषेक है, कहाँ पर रहते हैं भाई, उनकी एज क्या है, उनके लाइफ के मेजर इवेंट्स क्या है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ उन्हें नजर आता है। वो पेपर ब्लैंक होता है बट दे कैन रीड। सोचो क्या अमेजिंग नॉलेज है। आप लोगों ने वो नाड़ी वाला तो देखा होगा, आपके थंब इंप्रेशन से आपका नाम, आपके वाइफ का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बता देते हैं। सोचो क्या गहन ज्ञान हमारे
कल्चर का हिस्सा है। तो ऐसे ही ये ज्ञान की एक परंपरा है, वो स्पेशल पीठ। तो उस पीठ के जो उत्तराधिकारी थे उनके एक फ्रेंड आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि भाई आप आश्रम में आइए, हम आपको गुरु जी से मिलाना चाहते हैं। बोले ठीक है हम मिलेंगे, लेकिन वहां पर मुझे कोई ने भी ये रिक्वेस्ट नहीं करना कि भाई ये कागज पढ़ो, ये होगा भी नहीं, मैं अपने पीठ पर बैठे बगैर वो सब नहीं होगा, और मुझे ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करना। उन्होंने कहा हाँ ऐसा कुछ नहीं, हम केवल गुरु जी से मिलाएंगे। ठीक है भाई, अब वो लेकर आए। संयोग से गुरु जी कहीं जाते हुए उनको ऐसे सामने से नजर आ गए, बहुत सारे लोग थे ये भी थे, तो ये गुरु जी के पास में गए। ओल्ड आश्रम की बात है, उधर गेट नंबर 1 के पास में, अभी तो उस तरफ एक्टिविटीज नहीं रहती है, पहले उधर छात्रावास वगैरह था। तो वहां पर जैसे ही गुरु जी सामने आए, ये लेकर गए, उन्होंने बताया गुरु जी इस पीठ को ये बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आए आपसे मिलने के लिए। गुरु जी ने कहा हाँ मुझे पता है, एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, अच्छा है। फिर उन्होंने क्या किया, गुरु जी के पास में ना एक ब्लैक बैग होता है, मैजिक बैग है, उसके अंदर से कुछ भी निकल जाता है, आश्चर्य मत करना। गुरु जी के उस ब्लैक बैग में, उस ब्लैक बैग को मैजिक बैग कहा जाता है, उसके अंदर से उन्हें जो चीज चाहिए वो उस बैग से प्रकट हो जाती है। मेरा सौभाग्य था, मैंने 3 बार वो गुरु जी के ब्लैक बैग को कैरी किया, एक बार तो गुरु जी ने खुद दिया था इनको दो वो कैरी करने के लिए। तो गुरु जी ने अपनी बैग ब्लैक को खुलवाया, उसमें कुछ ढूंढे और एक ब्लैंक पेपर निकाल के गुरु जी लाए और उस व्यक्ति को दिया, बोले पढ़ो इसे। वो बोले नहीं गुरु जी इसमें कुछ आएगा नहीं, ये यहाँ पर आता नहीं है। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं आएगा, देखो पढ़ो पढ़ो। वो बंदा कंफ्यूज हो गया, उन्होंने कहा नहीं गुरु जी यहाँ पर ये आएगा नहीं। अपने फ्रेंड को देखता बोलता अरे मैंने बोला था ये यहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो बंदा भी क्या करता, गुरु जी खुद बोल रहे किसी और व्यक्ति ने बोला नहीं। तो गुरु जी ने कहा अरे तुम पढ़ो तो वो देखो तो उसमें पहली लाइन क्या आई है। तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा शॉक हुआ, उन्होंने ऐसा अपने सामने कागज पकड़ा और पहली लाइन पढ़ी, ऐसा ऊपर से नीचे तक के देखा, कागज एक तरफ छोड़ गया, पहले साष्टांग ऐसा दंडवत गुरु जी के पैर में लौट गया, गुरु जी के पैर पकड़ लिया। ठीक है, फिर गुरु जी अपने करोड़ गुरु जी ने बोला हाँ जरा आश्रम वगैरह सब घूम लेना, हाँ सब अच्छे से देख लेना। गुरु जी निकल गए, वो बंदा उठा, उसने अपने फ्रेंड का ऐसे हाथ पकड़ा और एक तरफ खींचते हुए लेकर गया, और उस व्यक्ति को पता है उसने क्या कहा, उन्होंने कहा तुम सब लोग मूर्ख लोग हो, तुम्हें पता ही नहीं यहाँ पर तुम्हें क्यों लाया गया है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम यहाँ एडवांस कोर्स करने आ रहे, DSN हैप्पीनेस प्रोग्राम सुदर्शन क्रिया सीखने के लिए आ रहे, तुम्हें यहाँ लाने का मकसद कुछ और है। गुरुजी साक्षात नारायण है, बस जुड़े रहो। पता ये स्टोरी से मैंने क्या लिया, बस जुड़े रहो। जब से मैंने सुदर्शन क्रिया किया मैं बस जुड़ा हुआ, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे सारे, बस जुड़े हैं और गुरुजी तारते जा रहे, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। वॉट एवर आई विश टू हैव एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग इज। अच्छा लगा ना, ये लाइफ ऐसे ही सब स्टोरी से भरा हुआ, हमारा लाइफ गुरु स्टोरी है। भैया इतना अभी भैया मीन्स हमें पता ही नहीं है, ये भी एक रहस्य ही है और कि क्या है एक्चुअली भैया। लेकिन ऑल द थिंग इज कि हम भूले भटके न जाने कहां से हम जुड़ गए हैं, yes. जुड़े रहे हैं एंड नथिंग मोर। भैया बहुत आपने तो भैया शब्द ही नहीं है मेरे पास, एंड रियली थैंक यू सो मच। जो भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग भी जब तक आप ये सेशन पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइए, उनको भी एक वो मिलेगा। एंड भैया जाते जाते एक लास्ट वर्ड हम सबके लिए और जो भी देख रहे हैं, जस्ट फॉर कंक्लूजन। ओके फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, इस ज्ञान के पथ पर ना आप हमेशा आगे बढ़ते रहना। लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आते जा रहे हैं, आपकी क्या प्रेजेंट कंडीशन है, इससे विचलित हुए बगैर अपनी इस आध्यात्मिक पथ को, जर्नी को, यात्रा को शुरू रखना, मैं बता रहा हूँ, अपनी साधना को छोड़ना नहीं। यह वह चीज है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। हमें जन्म क्यों मिलता है, इसका एक डेफिनेट पर्पस है। आप जब तक लाइफ में कुछ नया नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, अपने चेतना के लेवल को एलिवेट नहीं करेंगे, आप वापस यहीं पर बार बार आते रहेंगे। आप बस जुड़े रहिए, ज्ञान के पथ पर कनेक्टेड रहिए। अभिषेक भैया मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं क्या, एक 6 से 7 बजे तक के ना हम लोग ऐसे ही एक मेडिटेशन गुरुजी के साथ में करते हैं शाम को
जुड़ते रहते हैं। वैसे आपके ये कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था, बट चूंकि लोग यहाँ पर ज्ञानी लोग जुड़े हुए हैं मेडिटेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए तो रोज 6 से 7 बजे तक के हम, अच्छा आपके नाम से मिलता जुलता हुआ सत्व डेली मेडिटेशन ऐसे हमारा इसका नॉलेज सीरीज का नाम है। तो जब भी मेरा कोर्सेस चलते तब नहीं होता है, बट एवरीडे अदरवाइज ये कोर्स होता है। तो आप लोग भी अगर कभी ऐसे ही ध्यान करना चाहते हैं और थोड़ा सा ऐसी नॉलेज हम लोग ऐसी चर्चा करते हैं किसी एक विषय के ऊपर में, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। ज्ञान के साथ में जुड़े रहिए, मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत रस है। अध्यात्म के साथ में जुड़े रहिए, ये ज्ञान की दुनिया अध्यात्म की दुनिया बहुत रसमयी है, बहुत रहस्यमयी है। आप जितना ज्ञान लेते जाएंगे ना उतना इसमें और भी आपको इंटरेस्ट आते जाएगा, राइट? ओके, सो विद दिस आई एम टेकिंग अ पॉज। आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ। भैया बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग। एंड बहुत सारे लोग तो कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं नंबर, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको नंबर वहां पे मिल जाएगा। एंड यूट्यूब चैनल में जब आप सत्वा टॉक्स लिखेंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। एंड उसके डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल के डिटेल्स और भैया का नंबर भी वहां पे मैं लिख दूंगा। यस, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया।